Mr. Gill. धन्यवाद चेयरमैन सर, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। जंगली जीव और जंगल हमारे देश की धरोहर है, इसको संभालना, इसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। सर मैं ज्यादा इस बिल पे नहीं जाऊंगा, मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुजेशंस हैं जो मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं, वो देके मैं बैठ जाऊंगा। सर सर हमारे रामसर साइट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे वीड्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमारे देश के नेटिव पौधे नहीं है। जैसे अमेरिकन एक वीड है और एक ग्रास है मैक्सिकन ग्रास, इन्होंने पंजाब में कोई ऐसा जल स्रोत नहीं बचा जिसको इन्होंने प्रभावित नहीं किया। आज मेरे को ऐसा लगता है कि उनको इससे साफ करना नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे जो पौधे जो बाहर से आते हैं, इनको रोकने का हमें कुछ ना कुछ इसका कोई इंतजाम करना चाहिए। सर एक हम बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है इथेनॉल का, जो ब्लेंडिंग के लिए एक पहली दुनिया की रिफाइनरी असम में लग रही है। सर उस रिफाइनरी के लिए हमें 2 लाख टन बांस की जरूरत पड़ेगी, मगर मेरा एक निवेदन है कि जितना भी बांस के जंगल है वो खत्म हो जाएंगे। कृपा करके अब से ही शुरू करिए कि इस बांस को बढ़ाया जाए। सर दूसरा, किसी भी स्टेट हो या अपना ये सेंटर हो, सभी के पास फंड्स का अभाव है और बहुत कम फंड है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रखा गया है। सर हमारे गार्ड्स की कमी है जिसके साथ पोचिंग होती है। सर सर मेरा एक बेनती है मंत्री जी से कि हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, एनसीसी है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है। सर 2 मिनट, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए पैशनेट। माननीय